जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑयल इंडिया लिमिटेड वर्क पर्सन यानी कि अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप ये सभी जानकारी यहां से भी चेक कर सकते हैं। एंड आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें ग्रेड 3 के अंदर जो आपकी अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी है वो यहां पर दी गई है। सैलरी आपको ग्रेड 3 पर अप्लाई करने पर 26,600 रुपए से लेकर 90,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। अप्लाई करने के लिए डेट 30 जनवरी 2024 रखी गई है। कौन से पोस्ट कोड के लिए कितनी वैकेंसी है और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि यहां पर एफटीआर 22023 पर अप्लाई करने के लिए आपसे यहां पर ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा है फिटर ट्रेड के अंदर, और साथ ही साथ आपका 10वीं पास होना भी जरूरी है तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहां पर जो आपकी ग्रेड 3 की अन्य पोस्ट है इसकी भी जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहां पर जानकारी चेक कर लेंगे। आपको यहां पर जो आपकी एज लिमिट है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा गाइज आप यहां पर शॉर्ट में देख सकते हैं कि अप्लाई करने के लिए जनरल ओबीसी को 200 रुपए फीस पे करनी है, एससी एसटी ऑल कैटेगरी विकलांग के लिए एंड यहां पर एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। तो सभी इंफॉर्मेशन आपने यहां से चेक कर लेनी है। और अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। नाउ गाइस यहां से आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो जो भी आपका नंबर है वो आप यहां पर डालिए। सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिए, आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहां पर एंटर ओटीपी पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। सेम तरीके से ईमेल एड्रेस यहां पर फिल कीजिए, सेंड ओटीपी कीजिए, ईमेल पर ओटीपी जाएगा, यहां पर डाल करके उसको वेरीफाई कर दीजिए। जब आपका मोबाइल और ईमेल वेरीफाई हो जाए तो आपको यहां पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ईमेल पर इनबॉक्स में ओटीपी नहीं देखने को मिल रहा है तो आपको आपका स्पैम फोल्डर चेक करना है, वहां पर आपको ईमेल मिल जाएगी ओटीपी वाली। अब आपको यहां पर साइन अप के इस इंटरफेस पर पोस्ट अप्लाइड फॉर यानी कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो सिलेक्ट करना है। तो यहां पर आप नोटिफिकेशन से चेक कर लीजिएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या पोस्ट कोड है। जैसे कि यहां पर मैं इस वाले पोस्ट कोड पर अप्लाई करके दिखाता हूं, तो मैं यहां पर आता हूं और यही जो कोड है वो मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं जो कि फिटर वाला है। तो यहां से हम एफ टी आर ये वाला पोस्ट कोड मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो यहां पर आपको पूछा है कि आप कौन से लोकेशन के अंदर यहां पर आपने आपका जो रोजगार कार्यालय पंजीयन होता है वो कराया है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहां पर अगर आपने इनमें से कराया तो आप सेलेक्ट करें, नहीं तो आप यहां पर ऑयल अप्रेंटिस सेलेक्ट कर ले। इसके बाद में फिर आपको यहां पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रेशन नंबर यानी कि जो आपने एम्प्लॉयमेंट रेशन कराया है वो रेशन नंबर आप यहां पर डालेंगे, ये देना अनिवार्य है, बिना इसके आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपका यहां पर नाम जो भी है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आपको एंटर करना है। एंड ईमेल एड्रेस आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, अपना नंबर आप यहां पर देख सकते हैं, कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर अदर। एंड इसके बाद में नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछेंगे कि आप विकलांग है, अगर हां तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद फिर आपके सामने यहां पर ऑप्शन आएगा कास्ट का, तो जो आपकी कास्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एससी एसटी ओबीसी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहां पर देना होगा। एंड साथ ही डेट ऑफ इशू कास्ट सर्टिफिकेट, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट भी आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ही आप यहां पर देखेंगे कि आप नॉन क्रिमिनल लेयर अगर है ओबीसी कैटेगरी के ऊपर ही ऑप्शन आएगा तो आप बता दीजिएगा, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होगा कि आप क्रिमिनल लेयर में आते हैं या फिर आप नॉन क्रिमिनल लेयर है, उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो करना होगा। फिर नीचे आते हैं, यहां पर आपको जो आंसर करना है सभी कैंडिडेट को वो है आपका कि हैव यू सक्सेसफुली अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द रिलेवेंट ट्रेड इन ऑयल एंड पास्ट ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट फॉर अप्रेंटिस कंडक्टेड बाय एनसीवीटी, यानी कि क्या आपने यहां पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है रिलेवेंट ट्रेड के अंदर और आपने जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है एनसीवीटी के द्वारा क्या वो पास कर लिया है, आपके पास है तो आप यहां पर यस करेंगे। इसके बाद में ऑयल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ट्रेड, तो आपको यहां पर फिटर ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है या फिर जिस पर भी अप्लाई करें उसी का ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो आपका यहां पर 1 ईयर का था या फिर 2 ईयर का, वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहां पर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे एंड फिर आपको यहां पर बताना कि आर यू एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएससी ऑटोनोमस बॉडीज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको पूछा है WCL ऑफ ऑयल, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं वेदर रेगुलर इंप्लॉई ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर गाइज नीचे आएंगे, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर आइए और आपको पहले तो यहाँ से आपका ईयर सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। एंड देन यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने, आप एक बार फिर से सभी भरी हुई जानकारी को चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद में जब आपको लगे सभी जानकारी सही है तभी आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, जहां पर आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, और फिर आपको आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। अगर आप यहाँ पर सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट करना है। और फिर आता है परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो पिन कोड आपका जो भी है वो आप यहाँ पर इसमें पिन कोड वाले ऑप्शन में डालेंगे। जैसे कि आपने पिन कोड लुकअप के ऊपर क्लिक किया, आपने पहले आपकी यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर सिटी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके गो के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से जानकारी आपकी आएगी। अब आपको आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर आपका जो भी एड्रेस है वो दोनों, वो एड्रेस आपको इन दो लाइन के अंदर एडजस्ट कर देना है। फिर अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे अंडरटेकिंग के ऊपर और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे, 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। एंड इसके बाद में किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी कितनी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट, जिसका फॉर्मेट JPEG, PNG, PDF इनमें से कोई भी चल जाएगा, और साइज 2 MB से कम रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपकी फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करनी है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, तो ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ पर इस लिंक को ओपन करके देख भी सकते हैं कि सही से अपलोड हुई है या फिर नहीं। इसके बाद ट्रेड सर्टिफिकेट को टिक करेंगे, एंड देन यहाँ पर टिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आता हैव यू बीन एम्प्लॉयड, कि आपने कभी कोई जॉब की है, अगर हाँ तो आप उसकी जानकारी यस करने के बाद में भरेंगे, नहीं तो आपको नो करना है, और फिर यहाँ पर टिक करना है और इसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन, जहां पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। जो फोटो का फॉर्मेट है वो JPEG PNG चल जाएगा, एंड साइज 200 KB से कम, वाइड हाइट मिनिमम 150 पिक्सल और मैक्सिमम 200 पिक्सल के बीच में रहनी चाहिए। तो दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फोटो बनाएंगे, एंड फिर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहां से मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं, एंड देन फिर यहां पर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं, तो आपका जो फोटो है वो यहां पर अपलोड हो जाएगा। तो गाइज यहां पर फोटो फाइल इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगी। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं, तो मैंने एक डमी फोटो अपलोड किया है। एंड इसके बाद में आप यहां पर आपकी साइन की फाइल सिलेक्ट करेंगे, एंड देन अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका साइन भी यहां पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको यहां पर देना है, जिसमें कि आप यहां पर 10th का सर्टिफिकेट जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई हो, या फिर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, यहां पर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। इसका फॉर्मेट गाइस PDF का रखा है, ये इमेज में अपलोड नहीं हो पाएगा, तो जहां पर PDF फाइल है वो आप सेलेक्ट करें, या फिर इमेज से आपको PDF में बना करके वो अपलोड करना होगा। तो यहां पर ये अपलोड हो चुका है। अब आता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय NCVT, तो जो आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहां पर अपलोड करना है। तो जहां पर भी फाइल है वो सेलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए, एंड देन अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। अब आता है कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो आपकी SST कैटेगरी या फिर OBC है कैटेगरी है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। देन गाइज आप यहाँ पर अंडरटेकिंग के ऊपर टिक करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो यहाँ से ले लेना है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको यहाँ पर पहले फीस को जमा करना होगा, तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग ऑयल इंडिया लिमिटेड वर्क पर्सन या फिर कह लीजिए अप्रेंटिस या फिर कह लीजिए कि Grade 3, Grade 4 पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आई होप ये सब जानकारी आपको समझ आई होगी। कोई सवाल, कोई डाउट रह गया हो किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।